दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। कैसी है मेरी पीवीआर एक्वा फैमिली? मैं आपका तह दिल से आभार हूँ। डे बाय डे फैमिली का साइज इंक्रीज होता जा रहा है, मोर देन 64,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं और सारे किसान भाई बहुत ही एक्टिव हैं और मेरे को यकीन है कि वो अपने अपने प्रोजेक्ट पे बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही एंथू से, बहुत ही एनर्जी से अपने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बना रहे हैं। और मेरा पहले आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई बंदा कोई भी वीडियो, कोई भी थंबनेल लगा के डालता है, डोंट बी पैनिक। मैं कभी पैनिक नहीं होता। अभी रिसेंटली एक वीडियो आ गई थी पीवीआर का, कुछ काला सच, तो मैं बिल्कुल पैनिक नहीं, आपको पैनिक नहीं होना है, ना आपको कोई टेंशन लेनी है। ये लोग बाग, ये इंटरनेट वर्ल्ड ही ऐसा है कि लोग बाग केवल अपनी व्यूज़ या अपने अट्रैक्शन लेने के लिए, अटेंशन पे करने के लिए ये सब करते रहेंगे। आपको अपना कर्म करना है। हमारा या आपका कर्म है कि हम अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाएं। देखिए, कोई भी इंडस्ट्री तभी ग्रो करती है जब वहाँ पे एंटरप्रेन्योर, फार्मर्स ग्राउंड लेवल की एक फोर्स क्रिएट कर लेंगे, एक क्लस्टर डेवलप कर लेंगे। तो सेम आंध्रा में भी सेम स्टोरी हैपन हुई कि वहाँ के फार्मरों ने उस इंडस्ट्री को थ्रस्ट दे दिया, बाद में गवर्नमेंट ने उसको अपलिफ्ट कर दिया। तो यही हमें अपने अपने स्टेट में, चाहे वो MP हो, CG हो, बिहार हो, आसाम नॉर्थ ईस्ट हो, UP हो, हरियाणा हो, कोई भी स्टेट हो, आपको अपने एरिया में क्लस्टर डेवलप करना है, अपने आप को रोल मॉडल सेट करना है, जो लोग बाग आपके फार्म को देखें, आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस अपने फार्म पे इम्प्लीमेंट करें। और मैं आपको एक बहुत ही सिंपल उदाहरण से बताना चाहूँगा, जो भी फिश फार्मिंग कर रहे हैं, श्रिम फार्मिंग कर रहे हैं, एक्वा कल्चर कर रहे हैं, आपको अब तक ये समझ में आ गई होगी फिश की लाइफ साइकिल कितनी है, श्रिम की लाइफ साइकिल इतनी है। अगर हम फिश की लाइफ साइकिल की बात करें और अगर हम स्पॉन से कैलकुलेट करेंगे तो 2 साल में हम 1 kg बायोमास सेल कर पाएंगे, और अगर किसी के पास 40 साल उम्र हो गई है और 60 साल वो जिएगा तो 10 क्रॉप निकाल पाएगा। अगर कोई 100 ग्राम की बच्चे स्टॉक करके ईयरलिंग वो 1 साल में 1 क्रॉप निकाल है तो 20 क्रॉप निकाल पाएगा। तो हमारे पास रिसर्च डेवलपमेंट का काम नहीं है, वो ICR को करने दीजिए। आप अच्छी सीड लीजिए, अच्छा खाना खिलाइए, अच्छी मार्केट डेवलप कीजिए, अपना प्रॉफिट भी बुक कीजिए और जो आप अर्न कर रहे हैं उसका एंजॉय भी कीजिए, रेदर देन आप अननेसेसरी भागे जा रहे हैं। आपका सेटिस्फैक्शन लेवल आपके माइंड से होगा, वो किसी के कहने से नहीं होगा। दोस्तों, ये अपनी FAQ की 27 सीरीज होगी और इसी में हम बात करेंगे कुछ, अगेन कुछ क्वेश्चनों की। तो इसमें एक भाई ने क्वेश्चन पूछा है, किसान भाई ने, सर फीड और टेम्परेचर का क्या रिलेशन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। दोस्तों, जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे जैसे हमारी गर्मी आएगी, हमारे अगर नॉर्थ इंडिया में बात करें तो गर्मी के टाइम खाना, हमारी फीड मछली अच्छी तरह खाती है, लेकिन गर्मी में ऑक्सीजन लेवल भी डिप होता है, ये मेन कोरिलेशन है। ठंड में वाटर की ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी कम रहती है, मछलियों का मेटाबॉलिज्म कम काम करता है, कम खाती है। तो इसीलिए जो एरिएशन या ऑक्सीजन, आज की डेट में ऑक्सीजन के लिए भी ऑक्सीजन जनरेटर्स भी आ गए हैं जो प्योर 92-94% ऑक्सीजन आपका इन्फ्यूज कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि आप किस लेवल पे, हाई डेंसिटी पे, एक्सटेंसिव डेंसिटी पे फार्मिंग कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप यूज कीजिए। दोनों में डायरेक्ट कोरिलेशन है आपका टेम्परेचर और फीडिंग में। दोस्तों, एक भाई की क्वेरी ये है कि सर सोयल, जैसे एग्रीकल्चर में सोयल कार्ड बनता है, वाटर कार्ड बनता है, बिल्कुल आने वाले टाइम में आपके एक्वाकल्चर फिश फार्मिंग में भी ये कार्ड्स बनेंगे जो आपकी सोयल की हेल्थ और वाटर की हेल्थ बताएंगे। और अभी भी जो हम फ्रीक्वेंटली वीकली या फोर्टनाइटली वाटर टेस्ट करते हैं, अगर आप उसको अपने रजिस्टर मेंटेन करते हैं, दैट इज द सेम वाटर कार्ड। आपको पता रहेगा कितना आपने स्टॉक किया, क्या आपका बायोमास आया, क्या आपने खाना खिलाया और कौन कौन से पैरामीटर किस ड्यूरेशन में किस बायोमास के रेस्पेक्ट में चेंज हुए, तो उसी से आप अपने वाटर पैरामीटर को एनालाइज कर सकते हैं। एक भाई की क्वेरी है कि सर जो प्रोटीन है, अगर हम हाई प्रोटीन मछली को खिलाते रहें तो क्या उसकी फास्ट ग्रोथ होगी? दोस्तों, बिल्कुल होगी, कोई शक नहीं है। प्रोटीन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फिश ग्रोथ से है। हमारा जो फीड रहता है उसके अंदर एनर्जी, उसको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट दोनों से मिलती है, लेकिन प्रोटीन हमारा मोस्ट एक्सपेंसिव सोर्स है, कार्बोहाइड्रेट चीप है और जो फैट है वो हाईली कंसेंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर आप ज़्यादा हाई प्रोटीन दाना खिला रहे हैं तो वो एनर्जी भी उसी से कंज्यूम कर रहा है, लेकिन जैसे फिश का साइज बड़ा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट और फैट उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और बॉडी बिल्डिंग में तो और टिश्यू रिपेयर में प्रोटीन का काम आता है। तो केवल जैसे जैसे फिश का साइज इंक्रीज करते हैं, हम थोड़ा थोड़ा प्रोटीन वैल्यू डिक्रीज करते हैं, ड्यू टू इकोनॉमिक फैक्टर है मेरा। हमें अपनी फिश को इकोनॉमिकल वायबल भी बनाना है, हमें ऐसा नहीं बनाना कि हमने 100 रुपीज़ एक्सपेंस कर दी और 100 रुपीज़ की सेल कर दी, हमारी इकोनॉमिक भी रहे और प्रॉफिट भी रहे। तो ये हमें सारी इक्वेशंस मेंटेन करके ही
हम उसको फीडिंग कराएंगे। जो मछलियाँ रहती है, एक भाई की क्वेरी थी कि सर क्या हम कार्प्स को नॉन वेज फीड खिला सकते हैं? सर आप जो कंपनी का फीड खिलाते हैं उसमें भी नॉन वेज कंटेंट रहता है। मैंने किसी फार्मर को ऐसा तो नहीं देखा, ना मैं कभी खिलाता, कि लोग बाग चिकन वेस्ट कार्ब्स को खिला रहे हैं, चिकन वेस्ट केवल हाइब्रिड मांगूर को खिलाते हैं। तो अगर आप कार्ब्स कर रहे हैं तो प्रेफर करो प्लांट प्रोटीन खिलाना, अगर आप कैटफिश पाल रहे हैं तो प्रेफर करो एनिमल प्रोटीन विद ओनली कॉमर्शियल फीड। जब आपका फार्मिंग इतनी बड़ी हो जाए कि आपका 400-500 टन इनहाउस कंजप्शन होने लगे तब आप सोचें। पैरेलली एक भाई की क्वेरी थी और एक का कॉल भी आया कि सबके सब फीड फैक्ट्री क्यों नहीं लगाते हैं। सर फीड फैक्ट्री लगाना इतना इजी जॉब नहीं है। फीड फैक्ट्री लगाने के लिए आपको नंबर ऑफ प्रोसेस, नंबर ऑफ मेथडोलॉजी फॉलो करने पड़ेंगे, आपकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, आपके यहाँ रॉ मटेरियल मिलना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, बहुत सारे ओवरहेड्स हैं। तो आप फीड फैक्ट्री के बारे में तभी सोचें जब आप एक अच्छा टनेज इनहाउस कंजप्शन भी कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में सब सब बिग प्लेयर्स ऑलरेडी बैठे हैं, उनका मार्केट शेयर है, चाहे वो आईबी हो, कारगिल हो, सीपी हो, अवंती हो, बहुत सारी कंपनियाज हैं जो अच्छी कंपनीज हैं। तो आप उनके में से अपना उनका अगर आप सोचें कॉमर्शियली आप सेल कर पाएंगे इनिशियल लेवल पे, या तो आप बहुत अच्छा प्लांट लगाइए 5 TPH या 10 TPH का, 5 टन पर आवर, 10 टन पर आवर का, तो आप कॉमर्शियल किसी पर्टिकुलर मंडल, किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट पर, किसी पर्टिकुलर स्टेट में आप एंट्री कर सकते हैं। बट छोटे लेवल पे आप आपका प्रोजेक्ट अनसक्सेसफुल हो जाएगा। और पैरेलली अगर आपको ये जो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स हैं, तो जो फीड फैक्ट्रीज इक्विपमेंट सेल कर रहे हैं, स्मॉल लेवल हो या मिडिल लेवल हो, या जिन फार्मर्स ने लगाई है, तो मेरा सबसे विनम्र निवेदन है जो मैं हर वीडियो में बोलता रहता हूँ, 1% ऑफ योर एजुकेशन आपको एक्सपेंस करना है टोटल प्रोजेक्ट का, तो आप विजिट कीजिए उनकी फीड यूनिट से, उनका फॉर्मुलेशन पूछिए, उनका FCR पूछिए, उन्होंने कितना दाना खिलाया है, ये सब पूछिए, तो आपको पता चल जाएगा। दोस्तों एक क्वेरी थी कि आर्गुलस सबसे ज़्यादा होता है कार्स में, तो दोस्तों इसका बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है आर्गुलस का। आप केवल उसमें अपना क्लीनर डालिए 200 ml पर एकड़, और पैरेलली उसमें आप गोल्डी मैक या आइवर मैक्टिन सॉल्ट जिस कम में हो उसको फीड में मिला के दीजिए। तो दोस्तों हम अपनी ये सीरीज कंटिन्यू रखेंगे, तो अगली सीरीज में फिर मिलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। जो कॉमन, जो न्यू बिगनर्स हैं, जो एक्सपीरियंस फार्मर हो चुके हैं, उसके लिए हो सकता है कि ये कुछ क्वेश्चंस उसने पहले सुने हो, लेकिन जो न्यू बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत न्यू है और बहुत ही काम के क्वेश्चंस हैं। धन्यवाद।